शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान बहुत जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म से अब तक तीनों ही स्टार्स के लुक को भी रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्पाई की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जॉन अब्राहम मूवी में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। ये मूवी तीनों ही स्टार्स के करियर में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो भी इसलिए क्योंकि शाहरुख खान पूरे 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वह आखिरी बार 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे, तो वहीं दीपिका पादुकोण भी एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी। और शायद इस फिल्म से जॉन अब्राहम अपनी फ्लॉप फिल्म के चल रहे एरा को भी खत्म कर सकते हैं। रिलीज होने से पहले ही मार्केट में इस मूवी को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, पर शायद दर्शकों के बीच इतना ज्यादा एक्साइटमेंट बना के रखना मेकर्स को कम लग रहा है। तभी तो उन्होंने मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसके सीक्वल बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। और खास बात ये है कि मेकर्स ने सेकंड पार्ट की स्क्रिप्टिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले पार्ट में जहां हमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं इसके दूसरे पार्ट में और भी कई फेमस पर्सनैलिटीज इस मूवी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगी। यहां हम आपको बता दें कि पठान मूवी का पहला पार्ट 23 जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। यह मूवी हिंदी भाषा के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी। अब आप इस मूवी के पहले पार्ट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी तमाम मूवी अपडेट्स और बॉलीवुड जगत की अपडेट्स के लिए भी फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।